हाय फ्रेंड्स, इट्स मी काशी भाई, आपका मेज़बान। तो हमारी जो आज की वीडियो है वो हमारे चैनल के नाम पे बेस है, जैसे एक्सप्लोर टू ईट। हम लोग नॉर्मली कहीं भी जब जाते हैं, मैंने जो वीडियोस डाली हैं, तो जब मैं कुछ चीज़ एक्सप्लोर करता हूँ तो उसमें साथ ही होता है यार ये रेस्टोरेंट है तो उसे आके खा सकते हैं। आज यार मेरे जहन में आइडिया आया यार, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं पाकिस्तान में भी, इवन के वर्ल्ड वाइड भी, कि आप लोग एक्सप्लोर करते हो, आप सिर्फ देखते हो कि वेख दो जी चस आ गई है, खाना कुछ नहीं, बस सू वेख लिया दिल खुश हो। इसी के साथ यार मेरे जहन में आया, मैं यार लाहौर में क्या ऐसा है कि बंदा आए तो बंदा वेखे तो बंदा कहे यार मैं लाहौर आया तो मैं लाहौर वेख लिया अस्ताज भाई। इसमें एक चीज़ ऐसी है, वो है लाहौर का रेलवे स्टेशन। आप में से कोई बंदा भी सोचेगा यार बंदे ने पहली वीडियो बनाई तो उस स्टेशन पर, ए भी बनाई थी अभी स्टेशन पर। एक्सप्लोर करना ना भाई, अपने चैनल के नाम के हिसाब से हमें काम करना है, तो इसलिए जो लाहौर का रेलवे स्टेशन है ये तो एक बहुत पुरानी इमारत तो नहीं है, इन्होंने रीन्यू किया, लेकिन इसका जो इन्होंने नक्शा बनाया जो है या जो इनका अंदर का स्ट्रक्चर है वो बहुत ही आउट क्लास है। बंदा एक बार इस साज इस स्टेशन वेख लेंदा ना तो बंदा कहता यार उस्ताद जी कमाल का काम होया वेखने। अच्छा यार, इसमें एक चीज़ मैं आपसे शेयर करूँ कि जो चीज़ें जो हैं सफ़र करने के लिए बहुत सारी हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप बाय एयर सफ़र भी कर सकते हैं, बाय रोड भी कर सकते हैं यार, लेकिन जेड़ा सफ़र है ना ट्रेन का वो ख़त्म जी पापा जी। ट्रेन के डब्बे बंदा बैठा हो बवे लोकल डब्बे ए सी वाले डब्बे मज़ा नहीं आता। हाँ सुकून होता है, आप मतलब धूल मिट्टी नहीं होती, फैमिली के साथ सुकून ना बाबा जी बैग जाओ, दरवाजा बंद कर लो तो चस लो, कला बंदा हो ए सी च ना जा। तो मैं यार लाहौर जाना, अपने दोस्तों यार दसना बाबा जी यार स्टेशन है इस तरह, तो इसलिए मैंने सोचा कि यार क्यों ना ट्रेन का सफ़र प्रेफर किया जाए। तो ट्रेन बस आने वाली है तो इंशाल्लाह सफ़र का आगाज़ करते हैं, आपको रस्ते में भी जो चीज़ें होंगी दिखाने वाली वो दिखाएंगे और फिर लाहौर का स्टेशन दिखाएंगे और अपनी वीडियो का एंड करें। और जी उस्ताद जी ट्रेन आ गई जे, आज ये टली वाई दी है ना जो ट्रेन आती है, एंदा जो चस है ना है नहीं, ये दुनिया तो कितने नहीं आना तू। अच्छा एक बात मैं सोच रहा था, मेरे व्यूअर्स हैं उनके जहन में एक बात तो होगी यार, इस बंदे ने हमें लोकल टिकट में सफर करने का क्यों बोला है। तो भाई इस बात का जवाब आपको मैं देता हूँ, लोकल डब्बे में सफर करेगा ना तो इधरों आ गया चाह वाला, इधरों आ गया बोतल वाला, इधरों आ गया जूस वाला, इधरों आ गया बाबा जी कोई किसी भी शहर वाला, तो बंदे पता लगता दुनिया हो की रहा। इन कहें दुनियादारी, तो दुनियादारी सीखने वास्ते लोकल डब्बे सफर करना बड़ा जरूरी है मेरे भरावो। तो जी दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाहौर स्टेशन के पास। अच्छा यार एक गल नहीं मैं समझ आती, ये जो गड्डी इधरों लाहौरों जावे कराची या कराचियों जावे लाहौर, तो स्टेशन तो पहले थोड़ा जहाँ क्यों रुक जाती, डर जाती है या पता नहीं की रोला है, लेकिन खैर जो भी है। जी दोस्तों फाइनली हम पहुँच चुके हैं लाहौर के रेलवे स्टेशन में। तो यहाँ का जो मंदिर है या इंटीरियर जो है बहुत ही शानदार बनाया हुआ है। नॉर्मली जो है पाकिस्तान के रेलवे स्टेशन इस तरह के नहीं हैं, तो मतलब वही उन्होंने डेवलप करना शुरू किए हैं अभी, लेकिन ये जो है आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं कि जो इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या ही क्लास, बंदा एक दफ़ा जो वेखदा ना तो बंदा कहता उस्ताद जी का लेवल ही हो। और में जो है बहुत सारे शाहकार हैं, अगर हम शाहकारों की बात करें तो उन सब में से जो एक बहुत बड़ा शाहकार है वो है जी लाहौर का रेलवे स्टेशन। इसके जो अगर मैं डिटेल की बात करूं कि इसमें अंदर जो है 9 प्लेटफार्म बनाए गए हैं, उन जो 9 प्लेटफार्म हैं वो बेसिकली इसी बिल्डिंग के अंदर कवर्ड है, और यही इस स्टेशन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यही जो कवरिंग है जो बता रहा हूँ मैं, यही इस स्टेशन को एक बहुत ही एंटीक लुक देता है जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। एक चीज़ और, लाहौर में जब कोई भी त्यौहार होता है तो उस त्यौहार की आइडेंटिफिकेशन जो होती है वो लाहौर के इस स्टेशन को देख के होती है, क्योंकि कोई भी ऐसा त्यौहार नहीं होता है कि जब इस स्टेशन को दुल्हन की तरह सजाया नहीं जाता। यही थी वो चीज़ जिसका मैंने अपनी वीडियो को स्टार्टिंग में बताया था कि बंदा कितने आवे तो कहे यार खावा पावे कुछ ना, लेकिन नज़ारे पूरे आन तो बंदा आ जाए लाहौर के रेलवे स्टेशन से आग लगे चस आएँ और देखें। इसी के साथ हम वीडियो का इंतजाम करते हैं, उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। अल्लाह हाफिज़।